हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मिक्स्ड वेजिटेबल भाजी। उसके लिए हमें चाहिए 10 टू 12 कैशू नट्स। वार्म वाटर में इसको अच्छे से 1 आवर तक भिगो के रखिए। और एक बाउल में 2 टीस्पून ऑफ पॉपी सीड्स, गसगस भी कहते हैं, उसको वार्म वाटर में 1 घंटे के लिए सोक करके रखिए। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप ऑफ ग्रेटेड कोकोनट, फ्रेशली ग्रेटेड, एंड 2 टेबल स्पून्स ऑफ रोस्टेड ग्राम्स। देखते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स में क्या जाएगा। 1 इंच सिनेमन स्टिक, 3 क्लोव्स एंड 2 कार्डमम्स, 10 टू 12 ब्लैक पेपर कॉर्न्स, और 1 टेबल स्पून धनिया सीड्स, 1 टी स्पून सौंफ, 1 टी स्पून जीरा, और 1 रेड चिली एंड 2 ग्रीन चिलीज। मिक्स्ड वेजिटेबल भाजी के लिए आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं आपके मनपसंद का, पर वेजिटेबल को एक ही साइज़ और शेप में कट किया है। एक क्यूब कट किया हुआ 1 पोटैटो एंड 1 कैरेट स्मॉल चॉप्ड, एंड पोटैटो सेम शेप में ही कट किया है, और कॉलीफ्लावर फ्लोरेट्स वो भी स्मॉल ही रखा है मैंने। और यहाँ पर मैंने 3 कलर के कैप्सिकम लिया है, पेपर्स ग्रीन, येलो और रेड, और 1/2 कप ग्रीन पीस। अब हम ये ड्राई स्पाइसेस को रोस्ट करेंगे। ये ग्रीन चिली को मैंने हटा देती हूँ। ये सब ड्राई स्पाइसेस को बिना ऑयल डाले इसको रोस्ट करेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक इसका अरोमा आ जाए। मसाले का अच्छे से अरोमा आ गया है। अब इसको गैस बंद करके थोड़ी देर कूल होने के लिए रख देंगे साइड पे। यहाँ पर मैंने मिक्सी जार लिया है, इसमें ग्रेटेड कोकोनट डाल रही हूँ पहले, उसके बाद रोस्टेड ग्राम मैंने डाले हैं यहाँ पर, और ग्रीन चिल्ली भी डाल दिया है मैंने। यहाँ पर एक ही डाला है क्योंकि वो काफ़ी स्पाइसी है। और सोक किया हुआ कैशूनट और पॉपी सीड्स दोनों को डाल देंगे। और उसके बाद जो ड्राइड मसाला स्पाइसेस था उसको भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। थोड़ा अगर पानी चाहो तो पानी भी डाल के अच्छे से ग्राइंड पेस्ट बनाएंगे इसका। अब देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट पेस्ट बन गया है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है 4 से 5 चम्मच ऑयल, और एक बड़ा सा तेज पत्ता डाला है, और उसके बाद हम डालेंगे चॉप्ड ओनियंस। मैंने यहाँ पर स्मॉल ओनियन लिया है और उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। और उसके बाद 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का मैंने डाला है यहाँ पर। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और इसको अच्छे से भुनेंगे। एक बार मसाला अच्छे से भुन जाए उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा टोमेटो चॉप करके डाल दिया है। पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच सॉल्ट ताकि टोमेटो जल्दी से गल जाए, और इसको अच्छे से मिक्स करके उसको पकने के लिए रखूँगी। आप देख सकते हैं आफ्टर 5 मिनट्स ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है।
अब हम डालेंगे जो पेस्ट बना के रखा था उसको, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख के अगर सॉल्ट चाहिए हो तो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट और आधा कप गरम पानी डाल के मिक्स किया है। यहाँ पर स्मॉल को प्रेशर कुकर में सारे चॉप्ड वेजिटेबल डाला है, और उसके साथ मैंने बीन्स भी डाला है। आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के बीन्स भी डाला है। और आधा चम्मच सॉल्ट डाल के आधा कप पानी डाल के इसको एक विजिल होने तक कुक करेंगे। ज़्यादा कुक करना नहीं है इसको। मैंने यहाँ पर अब मसाले को कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया है, पहले मैंने कुकर में रखा था। मसाला थोड़ा सा ड्राई लगा तो मैंने आधा कप गरम पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके और लिड बंद करके थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो आधा बॉईल किया हुआ वेजिटेबल डाला है, यहाँ देख सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स देंगे। आप देख सकते हैं, अगर सॉल्ट चाहिए हो या कुछ भी टेस्ट के हिसाब से आपको कुछ कम लगेगा तो आप इस वक्त डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक पूरा वेजिटेबल कुक ना हो जाए। आप इसको ढक के करीब 10 मिनट तक इसको अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दें। अब हमारा मिक्स्ड वेजिटेबल भाजी रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसको सर्व कर सकते हो पूरी के साथ, या तो घी राइस के साथ, या जीरा राइस के साथ, या रोटी के साथ भी बढ़िया रहेगा। प्लीज़ ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।